सेलेक्टिविटी ऑफ अ सर्किट के अंदर बेसिकली बड़ी सिंपल चीज़ बता रखी है, आपको तीन किस्म के सिग्नल किसी रेडियो स्टेशन ने रिसीव कर लिए और वो ऐसे थे, 1, 2 और 3, तीनों में पीक्स का फ़र्क है। सबसे बड़ी पीक इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। आपका रेडियो स्टेशन किसको सेलेक्ट करेगा रेजोनेंस पे? सबसे ऊपर वाले को, इसकी पीक सबसे ज़्यादा है, फिर इसको, फिर इसको। तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये नंबर 3 है, उल्टा लिख दिया इसने, ये नंबर 3 पीक है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, तो ऐसा लिखना चाहिए। इसको इसको फिर से लिखो, ये इसको क्रॉस करो। आपको लिखना चाहिए सेलेक्टिविटी 3 की, सेलेक्टिविटी 2 की, सेलेक्टिविटी 1 की। तो पहले 3 सेलेक्ट होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। ये सीक्वेंस है सेलेक्टिविटी का। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वालिटी 3 नंबर की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पीक सबसे ज़्यादा है। तो क्वालिटी पीक नंबर 3 की सबसे ज़्यादा है, फिर 2 की और फिर 1 की। ये लिखें इस ग्राफ में, सही है? तो जिसकी पीक ज़्यादा होगी वो सिग्नल सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, राइट? जिसकी क्वालिटी ज़्यादा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जिसकी क्वालिटी ज़्यादा है उसकी बैंडविड्थ कम होगी, वो उतना ही पतला होगा। तो जिसकी क्वालिटी ज़्यादा है उसकी बैंडविड्थ कम है, जिसकी क्वालिटी रिड्यूस्ड है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। ये है सिलेक्टिविटी और कुछ भी नहीं है, ये उल्टा लिखा गया, इसको ठीक कर लेना। ठीक है यहाँ तक? क्यू फैक्टर तो हमने कर ही लिया।